सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा हम थर्ड चैप्टर है जो जिसका आपकी स्नैपशॉट बुक उसे हम करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज बाय मस्ती वेंकटेशिया अयंगर। तो ये इसके जो राइटर हैं उन्होंने इसको लिखा हुआ है। तो रंगाज मैरिज जो है आपको इससे ही पता चल रहा होगा कि एक करेक्टर है इसमें मेन जिसका नाम क्या है, रंगा। तो रंगा की शादी से रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर है, मतलब उसकी शादी जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है कि रंगा की मैरिज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने पढ़ा है कि रंगा जो है वो कौन है। तो रंगा क्या है, रंगा द अकाउंटेंट सन, एक अकाउंटेंट है, उसका बेटा है। और ये किस विलेज में रहते हैं, होसाहली। होसाहली के विलेज का नाम है। तो ये इस विलेज से बिलोंग करता है होसाहली। इसके फादर जो है रंगा के वो क्या है, अकाउंटेंट। तो रंगा जो है फर्स्ट अपने विलेज में से एक ऐसा मतलब पर्सन है जो कहाँ पर गया, एक ऐसा लड़का है जो बाहर पढ़ने के लिए जाता है, बेंगलोर मतलब सिटी पढ़ने के लिए जाता है। और यही फर्स्ट था कि जिसको इंग्लिश बोलना आती थी, अदरवाइज़ इनके विलेज में किसी को इंग्लिश बोलना भी नहीं आती थी। तो कहते हैं कि रंगास द अकाउंटेंट सन्स इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर द क्राउड विल अराउंड हिम अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज आर नॉट। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट आर दे। अब देखिए उन्होंने कहा कि रंगा जो है वो अकाउंटेंट का एक बेटा है। कहते हैं ये एक रियर ब्रीड है अपने विलेज की, मतलब एक अकेला ही है जो सिटी पढ़ने के लिए गया था, अदरवाइज़ इनके विलेज में से आज तक कोई बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया था। कहते जब ये अपने विलेज वापस आता है बेंगलोर से, तो इसके घर के बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड जो है, मतलब बहुत सारे लोग इसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। रीज़न क्या था, बिकॉज यही बाहर गया हुआ था तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते कि वो वापस आया है, 10 साल के बाद वो वापस आता है, तो वो देखना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई चेंजिंग आई है कि नहीं आई, इसके जो व्यूज़ हैं मैरिज को लेके क्या वही सेम है या इनके डिफरेंट हैं। क्या होता था इनके विलेज में, इनके टाइम में क्या होता था कि इनकी जो शादी है किसी छोटी लड़की के साथ कर दी जाती थी, जैसे 10-11 साल की कोई लड़की है तो उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती थी, मतलब बाल विवाह होता था उस टाइम। तो यही लोग मतलब सोचना चाहते थे कि ये बाहर गया है, बाहर पढ़ के आया है, तो क्या ये इसके जो व्यूज़ हैं मैरिज को लेके सेम है या इसने चेंज कर ली है कि नहीं, मैं जो लड़की ग्रोन अप होगी उसी के साथ शादी करूँगा, जो इसकी थिंकिंग जो है वो पहले की जैसी ही है। तो कहते हैं व्हेन यू सी दिस लिटिल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज वाई नॉट रंगा नाथा विवाह आर रंगानाथा विजया। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर्स माउंट बिल्डिंग्स वन ऑफ द जगन्नाथा विजया आर द गिरिजा कल्याणा। तो देखिए यहाँ पे हमारे राइटर हमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको यही टाइटल क्यों दिया, इसने अब इसको टाइटल दिया हुआ है रंगाज मैरिज, ठीक है। कहते हैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही जो टाइटल है मैंने यही टाइटल क्यों दिया इसको, मैं ये भी तो दे सकता था रंगानाथा विवाह, ये भी कहता मैं दे सकता था रंगानाथा विजया, ये भी मैं दे सकता था गिरिजा कल्याणा दे सकता था, गिरिजा मतलब वो जो लड़की है उसका कल्याण हो गया, उसकी शादी हो गई, जगन्नाथ विजया। तो कहते मैं ये भी टाइटल दे सकता था, लेकिन मुझे ये जो टाइटल है ये मुझे सबसे अच्छा लगा और इस बिल्कुल इजी टाइटल लगा था, इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो क्या रखा था, रंगाज मैरिज रखा था। अब वो बता रहा कि होसाहली इज़ आर विलेज। तो ये जो राइटर हमें स्टोरी सुना रहे हैं तो ये भी उसी विलेज में रहते हैं जिस विलेज में रंगा जो है वो रहता था। तो इनके विलेज का, इन दोनों के विलेज का नाम क्या है, होसा हाली। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूंगी इसमें है क्या, बिकॉज़ मैंने वीडियो इसकी जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, तो अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी तो आप उस वीडियो से देख लेना। अब इसमें हमारे राइटर जो है वो हमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले वो होसा हाली कहते हैं, जब भी होसा हाली जब मेरे विलेज की बात आती है तो मैं उसकी बातें करना स्टार्ट कर देता हूँ कि मेरा जो विलेज है वो कैसा है, तो अपने वो विलेज के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि हमारा विलेज है, उसका किसी ज्योग्राफी के बुक में इसका नाम नहीं दिया गया, ठीक है। कहता है इंग्लिश जो है, इंग्लिश तो उस टाइम ब्रिटिशर का राज था, कहता है चलो ब्रिटिशर ने तो नहीं दिया बट हमारे यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी हमारे विलेज का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा। कहता हमारा विलेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के मैंगोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जो पोंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कहता है पौंड के बीच में क्या होता है कि ऐसे, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में हमें एक जैसे कहता है ना कि मजाक करते हैं इस तरह से, हंसी मजाक, मतलब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। तो कहता है कि हमारा जो जहाँ पे पौंड है, तो पौंड में जब बहुत अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं, वो फेमस हैं यहाँ के, और जो फ्लावर्स के लीव्स होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें खाना खाया जा सकता है। तो कहता है कि अगर आप कभी उस पौंड में नहाने के लिए जाओगे तो आप उस लीव्स को ले आना, ताकि आपको दोबारा से उस लीव में ना जाना पड़े। ये कहानी है साउथ इंडियन की, ठीक है। तो साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो लीव्स जो होते हैं, बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं उसमें खाना खाते हैं। इसलिए ये हमारा राइटर क्या कह रहा है कि जब अगर आप कहीं जाते हो बाहर, उस पौंड में जाते हो, तो उस पौंड से आप लीव्स ले आना, ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े, और आके उसी के साथ क्या कर लेना, उसी पर खाना खा लेना। आगे कहता है, फिर वो कहता है, राइटर कहता है, देख मतलब मैं देखो कहाँ से मैं कहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, बताना मैं आपको क्या चाहता था और मैं कहाँ पर आ गया। देन वो कहता है हमें, कहता है व्हाट आई एम टेलिंग यू इज समथिंग हैड हैपन 10 ईयर्स ओल्ड। अब ये देखिए, अब हमें उसके बारे में बताना जा रहा है कि आपको जो एक रियलिटी है वो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था 10 ईयर्स ओल्ड, क्या हुआ था। तो स्टोरी जो मतलब मेन जो है वो हमें यहाँ पर सुनाना स्टार्ट करता है, रंगाज मैरिज की। पीछे जितना वो करता है वो अपने विलेज की तारीफ करता है कि हमारे विलेज में ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं। तो फिर वो लास्ट में कहता है मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज़ जब भी मेरे विलेज का नाम आता है तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे अपने विलेज के बारे में, उसके बारे में इतना कुछ मतलब बोल देता, मुझे इतना अच्छा लगता है अपना विलेज कि मैं उसकी तारीफ़ करने बिना नहीं रह सकता। कहता मैं ही नहीं कहता, इवन कि हमारा एक डॉक्टर है जो जहाँ पे रहता है, जिसका नाम क्या था, गुंडा बाटा था, वो भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। वो हर जगह घूमा हुआ, हर मतलब कंट्री में गया हुआ है एक इंग्लैंड को छोड़ के। तो कहता है कि वो भी तारीफ़ करता है कि हमारा जो विलेज है वो सबसे अच्छा है। तो फिर यहाँ पर वो स्टोरी करता है स्टार्ट, कहता है व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन्स 10 ईयर्स ओल्ड। कहता है मैं आपको बताता हूँ कि 10 ईयर्स पहले क्या हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल्स हु न्यू इंग्लिश देन। आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। तो कहते हैं 10 साल पहले की बात है कि हमारे विलेज में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको इंग्लिश बोलना जहाँ उसको पढ़ना आती थी। कहते हैं कि सिर्फ एक हमारे विलेज में एक अकाउंटेंट जो है, उसने ये हिम्मत मतलब दिखाई, उसने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा। कहते हैं इट इज़ डिफरेंट नाउ, देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टेकिंग इन कन्नड़। अब देखिए वो क्या कहता है, कहता है कि इससे पहले, अब उसने अपने बेटे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, बेंगलोर भेजा, ये फर्स्ट था जिसको बाहर भेजा गया था स्टडी के लिए, इसके फादर अकाउंटेंट थे। कहता है इससे पहले क्या होता था, कोई भी किसी को बाहर नहीं भेजता था। कहता है आजकल देखो कितना टाइम डिफरेंट हो गया, आजकल हर कोई जो है वो इंग्लिश जानता है। कहता है हमारे विलेज में भी काफ़ी लोग जो है वो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कहता आजकल आप बाहर देखो, कभी हॉलीडेज़ में आप बाहर निकलोगे तो आपको हर एक स्ट्रीट में जो लोग मिलेंगे वो इंग्लिश में बातें करते हुए ही मिलेंगे। कहता आजकल इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया हुआ है इंग्लिश का कि लोग अपनी कन्नड़ लैंग्वेज जो है उसको ही भूल गए हैं। कहता व्हाट हैड हैपन इज डिसग्रेसफुल। कहता और ये जो चीज़ है ये डिसग्रेसफुल हो गई हुई है, मतलब शेमफुल हो गई हुई है कि लोगों के ऊपर इंग्लिश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वह वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो कन्नड़ लैंग्वेज है, उसको ही लोग नहीं बोलना पसंद करते। कहता पहले कितना रेयर होता था कि रेयर जो है वो जाता था बाहर पढ़ने के लिए, उसको इंग्लिश आती थी, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया वो इंग्लिश का। तो वो कहता है कि द अदर डे आई वॉज इन रामा राव्स हाउस वैन दे थॉट अ बंडल ऑफ फायर वुड्स। रामा राव्स सन्स केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क द वूमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। 4 पाइस शी सेड। दे टो द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। द पुअर वूमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड went away muttering to herself I too did not know letters when I went to Ranga's house and asked him I understood what it mean। अब देखिए यहाँ पे वो हमें क्या कहते हैं, हमारे राइटर क्या कहते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ कि मैं एक जब वो आया हुआ था, जब रंगा बाहर से आता है
स्टडी अपनी कंप्लीट करके घर पर आया होता है, तो कहता है मैं रामा राव के घर पर गया। तो रामा राव मतलब इसका जो फ्रेंड है, ठीक है, कहता मैं उसके घर पर गया तो क्या होगा वहाँ पे। उस रामा राव जो है वो क्या खरीद रहा है, फायरवुड जो होती है जलाने वाली लकड़ियाँ जो है वो किसी औरत से खरीद रहा था। कहता है इतनी देर में रामा राव का जो बेटा है रंगा जो है वो आता है, तो रंगा आके उस लेडी को जो है वो पैसे पूछता है कि कितने पैसे, हमने आपसे लकड़ियाँ जो है फायरवुड जो है वो हमने खरीद दी है तो इसके कितने पैसे। तो वो जो लेडी है वो बताती है 4 पाइस। तो बेटा 4 पाइस एक यूनिट ऑफ मनी होती है, मतलब पैसा होता है पुराने ज़माने का, तो ये आना जो होता था ना पहले ज़माने में उससे रिलेटेड उससे कम होता है ये। तो कहते हैं उस लेडी ने क्या कहा कि 4 पाइस जो है इस बंडल ऑफ स्टिक्स जो है इसकी कीमत है। तो उसके बाद वो जो बॉय कहता है, रंगा जो है वो कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है, ठीक है, कह तो आप कल आना तो कल मेरे से ले जाना। तो कहते हैं वो जो औरत थी उसको समझ नहीं आया कि वर्ड चेंज का मीनिंग क्या है, वो अपने आप में कुछ बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है, उसको इतना पता ही नहीं चला क्योंकि किसी ने इंग्लिश वर्ड सुने ही नहीं होते। तो कहते हैं वो मटरिंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब राइटर हमारे कहते हैं मुझे भी नहीं पता था उस टाइम कि चेंज का मीनिंग क्या होता है। तो कहता है फिर दूसरे दिन मैं, फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं रंगा के घर में फिर गया और मैंने जब उससे पूछा कि चेंज का मीनिंग क्या होता है, कहता फिर मुझे पता चला कि जो चेंज है उसका मतलब क्या है। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिके अगो दैट वॉज वाइज रंगाज होम कमिंग्स वॉज अ ग्रेट इवेंट। पीपल रशिज टू द डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन्स हैज कम। द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स एंड कम रंगाज इज हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। कहता है कि अब देखिए ये प्राइसलेस कॉमोडिटी हमारी जो है कॉमोडिटी यहाँ की, कहता है इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, उस समय हमारे गांव में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई थी। कहता है जब लोगों ने सुना कि रंगा जो है वो घर वापस आ रहा है, तो कहता है लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि वो देखो घर पर आ रहा है। तो कहते हैं सारे लोग जो है उसके डोर के पास खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो कहता है कि अकाउंटेंट का सन जो है, अब उसके नेचर के बारे में बताते कि अकाउंटेंट के सन जो है उसका नेचर अच्छा था कि वो लोगों से मिलता था। तो कहता है अकाउंटेंट्स का सन जो है वो बाहर आ जाता है उनसे मिलने के लिए। कहता है द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर द स्टडी इज हेयर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर लेट गो एंड हैव अ लुक। तो कहते सारे लोग जो है उसको देखने के लिए उसके डोर के पास खड़े हो जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्लाउड क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क वाई हैव ऑल दीज पीपल्स कम देयर्स नो परफॉर्मिंग मनी हेयर मंकी हेयर। तो देखो यहाँ पे अब हमारे राइटर क्या कहते हैं, कहते हैं जब मैंने देखा कि उनके डोर के पास बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े हुए थे, रंगा के डोर के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो कहता है मैं भी वहाँ पर चला गया और मैं भी आंगन में खड़ा हो गया और मैंने वहाँ से पूछा, वहाँ पे जो लोग खड़े थे मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे तो कोई मंकी का खेल भी नहीं चल रहा, तो फिर यहाँ पे लोग इतने क्यों खड़े हो गए हैं। कहता अब बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेट लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर वट आर यू डूइंग हेयर देन अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। अब देखिए वो क्या कहता है, कहता है जब मैंने उनसे पूछा यहाँ पर तो कोई बंदर का खेल भी नहीं चल रहा तो लोग यहाँ पर इतने क्यों इकट्ठे हो गए। कहता है एक लड़का वहाँ पर इतनी सारी वहाँ पर भीड़ ही हर इतनी ज़ोर से वो बोला कि हर एक के कान में आवाज़ वो जाए। तो कहता है फिर आप यहाँ पे क्यों आए हुए हो, वट आर यू डूइंग हेयर, कि मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस तरह से उसने भी इसका मजाक उड़ाया उस लड़के ने। कहता है वो जो लड़का था वो इमेच्योर था, उसको मतलब मैनर्स नहीं थे, कोई मैनर्स नहीं थे, इस तरह से वो मुझे बोला। कहता है मैं बिल्कुल वहाँ पे चुप रहा और मैं साइड पर हो गया। सीइंग सो मैनी पीपल्स देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस हैड वी ऑल गोन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्स इन टू डैड पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। तो कहते हैं कि सींग सो मैनी पीपल देयर, कि लोग यहाँ पे देख इतने सारे लोग उसके डोर के पास खड़े थे। रंगा क्या करता है, बाहर आता है, एक स्माइल करता है, उसके फेस पर स्माइल होती है, ठीक है, स्माइल करता है, वो बाहर आता है। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, कहता है अगर हम सारे उसके घर में घुस जाते, जितने लोग उसके डोर के बाहर खड़े थे, उसके घर के बाहर खड़े थे, कहता है अगर सारे लोग उसके घर में
चले जाते अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न्स इनटू व्हाट पीपल्स कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। तो कहता है क्या हो जाता है ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, क्या होता है कि मतलब एक बार ऐसी जैसे जेल सी होती है ना, इस तरह से हुआ था। तो ब्रिटिशर ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया था, तो सफोकेशन की वजह से वहाँ पे लोग जो थे, दम घुटने की वजह से लोग जो थे वो मर गए थे। तो कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे क्राउड थी, इसके डोर के बाहर क्राउड थी, तो अगर सारे लोग जो है वो इसके घर के अंदर चले जाते तो ये क्या बन जाना था, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, कहता है भगवान की शुक्र कि ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोग उसके घर के अंदर नहीं चले गए, अदरवाइज क्या होती, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 month अगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आर विलेज। तो कहते हैं कि हर कोई जो था वो सरप्राइज था, हर कोई रंगा को देख के सरप्राइज था कि मतलब कि वो सेम वैसा ही है जैसे वो 6 month पहले आया था। मतलब वो 6 month पहले भी वो मिलने के लिए यहाँ पर आया होगा, तो कहते हैं जैसे वो 6 month पहले आया था तो अब भी वो वैसे का वैसा ही है, वो उसमें चेंजिंग नहीं आई। ये 10 साल मतलब बाहर रह के, इसने 10 साल बाहर स्टडी की है, तो थोड़ी देर के लिए ये बीच में आया भी होगा घर पर। तो कहता है एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, लुक्ड इन टू हिज आइज एंड सेड द जेनेवारा इज स्टिल देयर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट। रंगा लाफ्ड। देखिए कहते हैं कि वहाँ पे जो भीड़ खड़ी हुई थी, तो उसमें से एक औरत जो थी वो बाहर निकल के आती है, मतलब आगे जाती है, रंगा को टच करती है, उसकी चेस्ट को टच करती है, उसकी आंखों में देखती है, फिर उसको टच करते कहते हैं कि थैंक गॉड, मतलब इसने अपना जो अभी तक अपने जो कास्ट है उसको इसने चेंज नहीं किया, मतलब इसने जैनवारा जो है वो डाला हुआ है, वो जो डालते हैं ना उसमें ब्राह्मण जो डालते हैं एक साइड पे, वो जनरली क्या बोला जाता है उसको, तो कहता है वो अभी भी उसने डाला हुआ था। तो कहते हैं थैंक गॉड कि उसने वो चीज़ जो है वो चेंज नहीं की, इसने अपनी कास्ट जो है वो चेंज नहीं की। तो कहता है ये सुनते हुए जब इसने रंगा ने ये चीज़ सुनी तो रंगा जो है वो हंसना स्टार्ट हो गया। वंस दे रियलाइज दैट द रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्ट अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा राइटर, यहाँ पे हंसते हुए क्या कह रहा है कि जब लोगों को विश्वास हो गया कि रंगा की आईज भी हैं वैसी की वैसी हैं, हाथ भी वैसे के वैसे हैं, मतलब एक मजाक के तौर पे वो कह रहा है कि देखो कैसे लोग उसको देखने के लिए थे कि क्या इसने ये चीज़ है सेम है, कि उसने कोई चेंज मतलब चीज़ को चेंज तो नहीं की। कहते जब लोगों को रियलाइज़ होगा हाँ उसके हाथ भी वैसे के वैसे ही हैं, उसके आईज जो हैं वो भी वैसे की वैसी हैं, लेग्स जो हैं वो भी वैसे की वैसी हैं, तो लोग जो थे वो फिर वहाँ से चले जाते हैं, उसे मिलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। कैसे, जैसे क्या होता है लम्स ऑफ शुगर, मतलब एक छोटे बच्चे के मुंह में शुगर जो है वो डाल दी जाए तो वो पिघल जाती है। तो कहते हैं इस तरह से लोग जो थे, जब लोगों को यकीन हो गया कि रंगा सेम वैसे का वैसा ही है, फिर लोग वहाँ से चले गए। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरी वन हैज़ गोन, आई आस्क हाउ आर यू रंगाप्पा, इज़ एवरी थिंग वेल विद यू, इट वॉज ओनली द देन द रंगास नोटिस मी, ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, सॉरी सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग। तो कहता है जब वहाँ से सारे लोग चले गए थे, फिर मैंने रंगाप्पा को कहा, राइटर कहता है कि मैंने रंगाप्पा से पूछा, उसका हाल पूछा, मैंने कहा कि आप कैसे हो। कहता है फिर रंगा का ध्यान जो है वो मेरी तरफ भी गया, फिर उसने बड़े रिस्पेक्टफुली वे से मुझे नमस्कार किया और विद ब्लेसिंग, कहता है फिर आई एम ऑल राइट। कहता है मैंने भी ये चीज़ कही कि सॉरी उसने मुझे कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी ब्लेसिंग की वजह से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर्स, ही न्यू वेन आई वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू सम वन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हैड अप टू वर्ड द सन स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स जैकरिंग्स हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ बैंड आर वॉकिंग स्टिक, नॉट डिड नॉट मेयरली फोल्ड हिज हैंड, ही बेंड लो टू टच माई फीट, मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्रेजेंटरीज आई लेफ्ट। देखिए अब क्या कहते हैं, कहता है अब मैं आपको रंगा का करैक्टर जो है मैं बताता हूँ कि रंगा जो है रंगा का करैक्टर कैसा था। कहता है रंगा ने जब मुझे विश की
ठीक है, उसके विश करने का, मुझे नमस्कार करने का उसका जो तरीका था वो आजकल के लड़कों के जैसा नहीं है। जैसे आजकल के लड़के होते हैं क्या करते हैं, किसी को ऐसे वैंडर नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना, तो सीधे ऐसे मतलब एक जूठा सा, जैसे किसी को कहते हैं ना कि वो कर देना, नमस्कार कर देना, तो कहते हैं वो आजकल के लड़कों के जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने क्या किया, इवन सिर्फ उसने अपने जो घुटने थे उसको बैंड नहीं किया, कहता वो पूरे का पूरा, जैसे ओल्ड फैशन होता था ना, पूरे के पूरा लेट के तो किसी को नमस्कार करना, तो कहते हैं इस तरह से रंगापा जो है उसने मुझे नमस्कार किया। तो कहता है उसके बाद मैंने उसको पूछा कि तुम शादी जो है वो कब कर रहे हो, कहता है फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सी बातें करते हुए फिर मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, अ जेन्युइन कंसिडरेशन फॉलो, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस ऑफ सोसाइटी आई थॉट। कहता है कि क्या हुआ कि उसी दिन दोपहर को रंगा जो है वो मेरे घर में आया और वो ऑरेंज लेके आया, ठीक है, उसके हाथ में ऑरेंज थे, मतलब उसका करेक्टर यहाँ पे बता रहा है कि रंगा का जो करेक्टर था वो किस तरह का था। अगर किसी के घर में भी जाना है तो बड़े अच्छे तरीके से वो जाता था, किसी को नमस्कार करना, किसी से बात करनी, बड़े अच्छे तरीके से बात करता था। कहता है मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सोचा, फिर मुझे लगा कि ये जो लड़का है अगर मैं इसकी शादी करवा दूंगा तो ये बहुत अच्छा होगा, मतलब जिसके साथ इसकी शादी होगी तो बड़े अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करेगा, उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से रहेगा। कहता फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगा रंगापा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। तो कहता है कि जब मैंने बातें उससे इधर उधर की, मैंने वो काफ़ी ज़्यादा बातें की रंगापा से जब वो मेरे घर पर आया ऑरेंज लेके, तो कहता है मैंने उसके साथ काफ़ी देर बातें की, जब बात करने के बाद मैंने उसको ना जो एक मतलब मेन पॉइंट पे की जो बात थी वो मैंने उसके साथ की। मैं कहता मैंने उसको पूछा कि तुम शादी जो है शादी के लिए तुम्हारा क्या प्लान है, कि तुम शादी कब तक करोगे। कहता आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो कहता है रंगा ने आगे से मुझे आंसर क्या दिया, उसने कहा कि मैं अभी शादी जो है वो नहीं करना चाहता। कहता मैंने उससे पूछा वाई नॉट, कि क्यों नहीं। आगे से उसने रिस्पॉन्स किया कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ्स अगो, ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। आप देखिए उसने उससे पूछा ना कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे रंगा जो है उसने आगे से रिस्पॉन्स किया, कहता मैं मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है, ठीक है, मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि मेरे एक ऑफिसर हैं उन्होंने मैरिज की, मैरिज किसके साथ की है, ऑफिसर की एज कितनी है 30, और उसने जो शादी की है वो 25 ईयर्स की लड़की के साथ की है। तो कहता है वो देखो आपस में कितने अच्छे से उनके अंडरस्टैंडिंग होगी, कितनी अच्छे से वो बातें करते होंगे एक दूसरे के साथ। लेट से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन्स इन लव एज वर्ड स्पोकन्स इन एंगर। तो रंगा आगे से कहता है बाय सपोज करो, जैसे हमारे यहाँ पे एक कस्टम है, रीति रिवाज होते हैं यहाँ के, कि हमारी शादी जो है वो छोटी लड़की के साथ की जाती है। तो रंगा कहता है अगर मेरी शादी किसी छोटी लड़की के साथ होगी तो मैं उसके साथ प्यार से बात करूँगा, वो आगे से मेरे साथ गुस्से से बात करेगी, उसको गुस्सा समझ लेगी, तो कहता है मैं उसके साथ मतलब कैसे लाइफ जो है मेरी बीतेगी। अब रंगा के यहाँ पर शादी को लेकर जो व्यूज़ थे वो चेंज हो चुके हुए थे। इनके विलेज में ऐसा नहीं होता था, इनके विलेज में क्या होता था कि अगर कोई छोटी लड़की देखी गई है तो उसके साथ इसकी शादी कर दी जाए। लेकिन रंगापा जो है ये बाहर पढ़ के आता है बेंगलोर में 10 साल, तो फिर इसके व्यूज़ जो थे वो शादी को लेके चेंज हो जाते हैं। तो ये कहता है कि मुझे लड़की जो चाहिए, मुझे अपने इक्वल चाहिए, अपने मैच की लड़की चाहिए, मुझे अपने से काफ़ी कम एज की लड़की नहीं चाहिए। शी मे टेक माई वर्ड्स सॉरी कहता है रिसेंटली अ ट्रूप ऑफ बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज देयर, वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले। तो अब देखिए यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देता है, कहता है जैसे शकुंतला थी, तो शकुंतला इन जो सभी मतलब इसके बारे में पता ही है दुष्यंत और शकुंतला के बारे में, तो कहता है कि अगर जो शकुंतला थी, अगर दुष्यंत जो है उससे उसके प्यार में पड़ गए, तो अगर शकुंतला जो थी वो भी उसके प्यार में पड़ गई, कहते हैं अगर वो जंग नहीं होती, अगर वो बड़ी नहीं होती तो वो उसके प्यार में कैसे पड़ती। तो फिर ये जो कालिदास है जिसने ये प्ले लिखा हुआ है शकुंतला, तो फिर कहते हैं ये प्ले वो कैसे लिखता,
क्योंकि अगर वो छोटी होती इसके प्यार में नहीं पड़ती, तो उसने अपना प्ले जो है वो कैसे करना था। तो इसलिए लड़की जो होगी वो मैच की होनी चाहिए, मतलब उसकी एज की ही होनी चाहिए, जिसको समझ हो, जो थोड़ी बड़ी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए। आई कहते हैं इफ वन गेट मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मेच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो कहते हैं कि अगर शादी हो तो किसी मतलब मैच्योर लड़की के साथ हो, अदरवाइज जो है वो बैचलर रहना ही ठीक है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मतलब इसने अपना रीज़न बता दिया कि मैं शादी जो है वो क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता था किसी मैच्योर लड़की के साथ शादी करना, अनमैच्योर जो है उसके साथ वो शादी नहीं करना चाहता था। इज देयर एनी रीज़न अदर रीज़न, तो कहता है मैंने उससे पूछा कि कोई और रीज़न है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर, वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन हर अदर, आर सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू वाइट हर फिंगर्स, वन अननेम फ्रूट्स एंड द अदर इज द विटर ग्राउंड, एग्जैक्टली रंगा सेड लॉफिंग। अब रंगा जो है मतलब वो कह रहा है, हमारे जो राइटर कह रहे हैं कि मतलब ये देखो इसके व्यूज़ कैसे हैं शादी को लेके, कि वो कैसा चाहता है कि लड़की वो होनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा कर सके, ठीक है, जिससे वो प्यार कर सके, ऐसी लड़की होनी चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए कि मतलब मैं कहूँ कुछ और वो समझ कुछ और ले, एक तो मतलब फिर वो हमारे राइटर यहाँ पे क्या कहते हैं जब उसकी बात को सुनते हैं कि मतलब ये ऐसी लड़की इसको नहीं पसंद है, तो कहते हैं इसको कैसे मनाऊँगा मैं शादी के लिए, मतलब एक तो ये होता है ना कि जैसे कहावत बताई जाती है, एक तो करेला ऊपर से एक नीम चढ़ा, ऐसे कुछ इस कहावत है कहते हैं। तो ये इसके व्यूज़ थे, वो कहते हैं मैं इसको कैसे मनाऊँगा, राइटर सोच रहे हैं मैं रंगा को शादी के लिए कैसे मनाऊँगा, और वो सोच रहे हैं कि इसकी शादी मैं करवा के ही रहूँगा। एग्जैक्टली रंगा सेट लॉफिंग, तो देखिए रंगा जो है वो भी हंसता है उसकी बातों से। कहता है आई वॉज डिस्ट्रेस्ड डैट द बॉय हु आई थाट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हर हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। तो देखो हमारे राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं मैं तो जिसके साथ मतलब जिस लड़के की मैं शादी करवाना चाहता हूँ वो तो बैचलर रहना चाहता है, पर मैं भी मतलब हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं भी क्या करूँगा इसकी शादी करवा के ही रहूँगा, ये अपने आप में वो सोच रहा है। देन कहते हैं रामा राव्स नीस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम, शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले द बीना एंड द हारमोनियम। अब वो कहता है कि रामा राव जो है उनकी जो भतीजी है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी एज कितनी है 11। तो रामा राव जो है ये इसके दोस्त हैं, ये अलग से इसके दोस्त हैं, श्यामा जो हमें मतलब राइटर हैं, जो हमारे राइटर का नाम श्यामा है यहाँ पे निकने उसको जो कहा गया है श्यामा। तो कहते हैं कि ये श्यामा के दोस्त हैं, रामा राव जो है श्यामा के दोस्त हैं, इनकी जो भतीजी है वो आई हुई है, उसकी एज कितनी है 11 है। तो कहता है वो कहाँ से बिलोंग करती है, बिग टाउन से बिलोंग करती है, इसलिए उस लड़की को क्या आता है, बीना बजाना भी आती है और हारमोनियम बजाना भी उसको आता है। शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी जो वॉइस है वो भी बहुत अच्छी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब देखो यहाँ पे हमारे राइटर क्या सोचते हैं, कहते हैं कि वो जो उसकी नीस आई हुई है तो उसका क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है, इसके मतलब लायक भी है, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं हैं, पेरेंट्स उसकी उनकी डेथ हो चुकी हुई है, इसलिए उसके अंकल जो है वो यहाँ पर उसको लेके आए हुए हैं। तो कहते हैं कि जो रंगा के लिए वही लड़की जो है वो सही रहेगी, ये राइटर सोच रहे हैं कि रंगा की शादी जो है उसी लड़की के साथ करवाएंगे जो 11 ईयर्स की है। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर्स ऑफ रामा राव प्लेस द गर्ल्स वॉज क्वाइट फ्री विद मी, आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम रत्ना, इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। तो देखिए वो क्या कहते हैं,
अब कहता मेरा जो रामा राव है उसके घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। राइटर हमें कहता कहता मेरा उसके घर में आना जाना लगा ही रहता था। और वो जो लड़की उनकी नीस जो इनके घर में आई हुई थी वो मेरे साथ अच्छे से बात कर लेती थी, मतलब फ्रीली होकर वो मेरे साथ बात कर लेती थी। तो कहते कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उनके घर पर गया, मैंने रामा राव की वाइफ को कहा कि मैं आपको कुछ बटर मिल्क जो है मैं भेजूंगा, आप एक काम करना रत्ना को मेरे घर पर भेजना और मैं क्या करूँगा रत्ना के हाथ आपको बटर मिल्क जो है वो भेज दूंगा। तो ये राइटर जो है ये क्या कर रहे हैं, आप रत्ना को उसके मतलब अपने घर पर बुला रहे हैं किसी बहाने से। अब इन्होंने क्या करना है आगे, इसको रत्ना को उसके साथ मिलाना है, राइटर के साथ मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है, ठीक है, कैसे इनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग आपस में बनानी है, शादी कैसे करवानी है, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मतलब लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब ये इसको इसके साथ मिलाता है, तो कैसे इन दोनों की शादी होती है, मतलब एंड में इन दोनों की शादी भी हो जाती है, ठीक है, और किस तरह से होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू।